दुनिया में सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है एरिया 51। ये एक ऐसी जगह है जो हमेशा चर्चाओं और विवादों से घिरी रहती है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो कि ये जगह इतनी खास और रहस्यमय है? आखिर वो कौन से राज हैं जो इसके अंदर छुपे हुए हैं? एरिया 51 अमेरिका के शहर लॉस वेगास से 80 मील दूर उत्तर पश्चिम में नेवाडा में स्थित है। ये जगह इतनी खास और रहस्यमय है कि ये आपको गूगल मैप पर भी देखने को नहीं मिलेगी। आप इस जगह की कोई भी फोटो नहीं ले सकते और यहाँ पर कोई भी ड्रोन कैमरा अलाउ नहीं है। इस जगह के ऊपर से कोई विमान तो छोड़ो, कोई सैटेलाइट भी नहीं गुजरता। आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है जो अमेरिकी सरकार इस जगह को लेकर इतनी सख्त है? एरिया 51 के बारे में अमेरिकी सरकार का ये कहना है कि यहाँ पर नए नए एयर विमानों की टेस्टिंग की जाती है और यहाँ अमेरिकी एयरबेस है जहाँ पर नए नए लड़ाकू विमान बनाए जाते हैं। ये जगह केवल सैन्य परीक्षण केंद्र है। अमेरिकी सरकार ये भी कहती आई है कि यहाँ मिलिट्री के सीक्रेट मिशन होते हैं जो उसकी सेना को मजबूत और ताकतवर बनाते हैं। अब जरा सोचिए कि एक ऐसी जगह जहाँ इतने सख्त नियम हैं कि जहाँ कोई आम इंसान तो छोड़ो, कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। आम इंसान तो बहुत छोटी सी बात है, अमेरिकी सरकार में ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे बड़े बड़े अधिकारियों को भी इस जगह में जाने की अनुमति नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या ये जगह अमेरिका का केवल एक एयरबेस है? चलिए अब कुछ उन सबूतों की ओर गौर करते हैं जो इस जगह को केवल एक एयरबेस नहीं बताते, बल्कि वो इस जगह को एलियंस का अड्डा बताते हैं। सन 1947 में घटी एक रॉसवेल घटना, जिसके बाद एरिया 51 सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। 1947 में न्यू मैक्सिको में एक यूएफओ क्रैश हुआ था और उसके बाद 8 जुलाई 1947 के अखबार में इस खबर को छापा गया, जिसके बाद जल्दी ऐसी खबरें भी आने लगीं कि इस जगह यूएफओ से कई जिंदा तो कई मुर्दा एलियंस बरामद हुए हैं। इस घटना की जांच में जुटे अधिकारियों में से एक थे वॉल्टर हॉट। वॉल्टर हॉट की मौत के बाद उनका एक आधिकारिक पत्र मिला जिसमें ये लिखा था कि यूएफओ क्रैश की जांच के दौरान उन्हें वहां दो एलियंस के शव मिले, जिसके बारे में उन्होंने सरकार को बताया और फिर इसके बाद सरकार द्वारा उन्हें सख्त निर्देश दिए गए कि इन एलियंस के बारे में आप पब्लिक या पत्रकारों से कुछ भी नहीं कहोगे। इसके बाद इन दोनों डेड बॉडीज को एरिया 51 में भेज दिया गया जहां उनके शवों पर टेस्टिंग की गई। इस घटना को अमेरिकी सरकार ने एयर बैलून कहकर दबा दिया। इस घटना के दौरान एलियंस की डेड बॉडीज मिली थीं, इस बात का शक तब और भी ज्यादा गहरा होता गया जब उस दुर्घटना स्थल के चारों ओर कई मीलों के इलाकों में सरकार व सेना के अधिकारी कई महीनों तक गहन खोजबीन करते रहे। अगर यहाँ पर केवल एक एयर बैलून क्रैश हुआ था तो इतनी खोजबीन आखिर क्यों? रॉसवेल की घटना को जहां यूएस सरकार दबा रही थी, वहीं उस दौरान एरिया 51 में काम करने वाले एक अज्ञात व्यक्ति ने इस घटना के कुछ फोटो और वीडियोज शेयर किए जिसमें एलियंस के होने की पुष्टि हो रही थी। बाद में उन फोटो और वीडियोज को सब जगह से हटा दिया गया। इस घटना के बाद एरिया 51 और भी विवादों से घिर गया और इसके बाद 1955 में पहली बार CIA यानी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार किया। 1988 में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुए कोल्ड वॉर के दौरान रूस ने सैटेलाइट से एरिया 51 के अंदर की कुछ तस्वीरें जारी की, जिससे इस बात का खुलासा हुआ कि इस जगह 8 रनवे और हवाई पट्टियां हैं और ये अमेरिका का सबसे सुरक्षित एयरबेस है। इसके बाद 2013 में अमेरिकी सरकार ने एक बार फिर एरिया 51 का जिक्र किया। इस दौरान एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया कि एरिया 51 में अमेरिका का एक सीक्रेट एयरबेस है, ना कि कोई एलियंस का अड्डा। अब सवाल ये उठता है कि अगर एरिया 51 महज एक एयरबेस है तो इसे लोगों से छुपाया क्यों जा रहा है? ऐसा नहीं है कि सीक्रेट मिशन केवल अमेरिका ही करता है, बल्कि ज्यादातर बड़े देश अपना मिशन सीक्रेट ही रखते हैं, लेकिन उन सब में इतनी शक्तियां नहीं होती, तो फिर यहाँ क्यों? और फिर दूसरी बात, अमेरिका के इसके अलावा और भी एयरबेस हैं, वहां तो इतनी शक्ति नहीं है, फिर एरिया 51 में ही क्यों? इन सवालों के जवाब सरकार क्यों नहीं देती? एक बात तो साफ है कि यूएस सरकार कुछ तो छिपा रही है, लेकिन क्या? बहुत से लोगों का मानना है कि यहाँ काफी बार यूएफओज देखे गए हैं और यहाँ तक कि सड़क पर भी एलियंस देखे गए हैं, और उन लोगों का मानना है कि सरकार हमसे ये सब छुपा रही है। चलिए अब कुछ ऐसे लोगों के बयान सुनते हैं जो कि खुद एरिया 51 में काम कर चुके हैं।
बिलहाउस नाम के एक व्यक्ति ने अपनी मौत से पहले ये दावा किया था कि वो ग्रे एलियंस के साथ काम कर चुका है। उसने एरिया 51 में मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर 1966 से 1989 तक काम किया। उसने बताया कि वो जिस एलियन के साथ काम कर चुका था उसका नाम जे रोड था, जो कि एक परग्रही विमान का पायलट था जिसे एरिया 51 में रखा गया था। बिलहाउस उस एलियन से टेलीपैथी के जरिए बात किया करता था और इस दावे के कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो गई। इसी दौरान ग्लेन डेनिस नाम का एक व्यक्ति सामने आया जिसने दावा किया कि वो एरिया 51 में काम कर चुका है। 1989 में उन्होंने ये खुलासा किया कि वो एरिया 51 में एक ऐसे डॉक्टरों से भरे कमरे में मौजूद रह चुके हैं जहां तीन अधमरे एलियंस पर शोध किए जा रहे थे। इसके अलावा 2004 में डैन बुरिस नाम का एक व्यक्ति भी पब्लिक के सामने आया और उसने भी कई भयंकर बातों को पब्लिक के सामने रखा। उसने कहा कि वो एलियंस वायरस को एलियंस के बॉडी से बाहर निकालते और उन पर टेस्टिंग करते थे। उसके अनुसार उसने एक एलियन से कंप्यूटर लैंग्वेज के जरिए बात भी की थी। इसके अलावा 2014 में एक पूर्व एरिया 51 वैज्ञानिक बॉयड बुशमैन ने अपने द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि वो एरिया 51 में रिवर्स इंजीनियरिंग एलियन यूएफओ टेक्नोलॉजी पर काम कर चुके हैं जिसमें बहुत ही उन्नत किस्म के गुप्त एयरक्राफ्ट्स पर शोध किए जाते हैं। बुशमैन ने एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये कही कि वहाँ काम करने वाला आधे से ज्यादा स्टाफ एलियंस का है। इसके साथ ही बुशमैन ने कई यूएफओज और एलियंस की फोटो दुनिया के सामने रखी। बुशमैन ने यह भी बताया कि यहाँ पर जो एलियंस रहते हैं उनका व्यक्तित्व दो किस्म की श्रेणियों में विभाजित था, जिसमें से एक समूह को रेंगलर्स कहते थे जो कि बेहद शांत और मनुष्यों से मेलजोल रखने वाले थे, और दूसरे समूह को रसलर्स नाम दिया गया था जो कि बहुत ही गुस्सेल किस्म के होते थे। इस इंटरव्यू के पब्लिश होने के कुछ ही दिनों बाद ये हर जगह से पूरी तरह गायब कर दिया गया और अमेरिकी सरकार द्वारा इनके किए गए दावों को पूरी तरह नकार दिया गया और कुछ दिन बाद ही बुशमैन की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। एरिया 51 में काम करने वाले इन कर्मचारियों के बयानों से ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि वहाँ केवल अमेरिकी एयरबेस है, बल्कि ऐसा लगता है कि इसका संबंध दूसरी दुनिया के लोगों यानी एलियंस से है। एरिया 51 में काम करने वाले एक अमेरिकी वैज्ञानिक बॉब लेजार ने ये बताया कि वहाँ उपस्थित 9 में से एक यूएफओ में उन्होंने काम किया है। उन्होंने बताया कि यूएफओ में फ्यूल के लिए एलिमेंट 115 यूज किया जाता है, और मजे की बात यह है कि एलिमेंट 115 को बाद में 115 UN-286 नाम दिया गया, जिसका ऑफिशियली नाम मिलने से पहले ही बॉब लेजार ने इसके बारे में बता दिया था। बॉब लेजार ने बताया था कि वहां काम करने के दौरान उन्होंने गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे जिसमें यह बताया गया था कि एलियंस का धरती से कनेक्शन आज से नहीं बल्कि 10,000 साल पहले से है, और वो 40 प्रकाश वर्ष दूर तारामंडल से यहाँ धरती पर आते हैं। उनके अनुसार एलियंस को केवल 1 से 2 घंटे लगते हैं अपने ग्रह से पृथ्वी तक पहुंचने में। बॉब लेजार ने भी कई फोटोज पब्लिक के सामने रखे, लेकिन हर गवाह की तरह इसे भी अमेरिकी सरकार ने गायब करवा दिया। 1997 में एक व्यक्ति अमेरिकी रेडियो शो में लाइव आया और उसने ये बताया कि वो एरिया 51 में काम करता था और जिसे हम एलियंस कहते हैं वो असल में एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स हैं और वो एरिया 51 पर कब्जा कर चुके हैं। वो इंसान के मेजर पॉपुलेशन को मिटाना चाहते हैं और सरकार इस बारे में सब जानती है। इतना कहने के बाद वो लाइव शो कट हो गया और इसके बाद वो अनजान व्यक्ति कहाँ गया ये किसी को नहीं पता चला। एरिया 51 के बारे में लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ टाइम मशीन है जिससे अमेरिकी वैज्ञानिक टाइम ट्रेवल करते हैं। असल में एरिया 51 आज तक रहस्य केवल इसलिए बना रहा है क्योंकि इसकी सही और सटीक जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई जाना नहीं चाहता, इसकी जानकारी लेना नहीं चाहता, लेकिन अमेरिकी सरकार के कड़े नियम कानून वहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं देते। डॉक्यूमेंट्री बनाने में मशहूर एक वेबसाइट बीबीसी वाले भी एरिया 51 में पहुँचे उसके बारे में जानने के लिए, लेकिन फिर क्या, बाहर खड़े गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया और सजा के तौर पर 3 घंटों तक घुटने के बल बैठाए रखा और कई हजार डॉलर का जुर्माना भी लगा। यूएस सरकार ने वहां के सुरक्षा बलों को ये आदेश दिया है कि अगर कोई इंसान या जानवर एरिया 51 में घुसने की कोशिश करे तो उसे 10 फीट की दूरी पर ही गोली मार दी जाए। अब सवाल ये है कि आखिर इतने कड़े नियम क्यों? क्या सच में यूएस सरकार बहुत कुछ छिपा रही है, या फिर एरिया 51 के कर्मचारियों द्वारा जो दावे किए गए हैं वो सब झूठे हैं?
हाल ही में 2019 में कैलिफोर्निया के एक युवक ने फेसबुक पर एक अभियान चलाया जिसका नाम था एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस, जिसमें 20 लाख लोग इससे जुड़े। इसमें इस व्यक्ति ने कहा था कि हम सब एक साथ एरिया 51 के अंदर घुसेंगे और वहां के हर रहस्य से पर्दा उठाएंगे। इसके बाद यूएस सरकार अलर्ट हो गई और उसने एरिया 51 के सुरक्षा बलों को कड़े निर्देश दिए। मजे की बात पता है क्या थी, लोग तय की गई डेट पर वहां पहुंच भी गए, जिसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और कुछ लोगों को समझाकर लौटा दिया गया। इसके बाद उस व्यक्ति ने सरकार के सामने ये कहा कि वो तो मजाक कर रहा था, उसने अपने फेसबुक पेज पर ज्यादा लाइक पाने के लिए ये सब किया। इस सबसे एक बात तो स्पष्ट है कि लोग एरिया 51 के राज को जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं, जो सरकार अपने लोगों से छुपा रही है। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पद की उम्मीदवार हिलेरी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा था कि अगर वो जीतती है तो वो एरिया 51 के हर उस राज से पर्दा उठाएगी जो आज तक यूएस सरकार लोगों से छिपाती आ रही है। लेकिन उनकी हार के बाद एरिया 51 एक राज ही बनकर रह गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या एरिया 51 केवल अमेरिकी एयरबेस है या इसके पीछे कोई और रहस्य है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।